नमस्कार दोस्तों, फिर हम देखेंगे दोस्तों एचएफसीएल के शेयर में 3 अक्टूबर के लिए क्या क्या लेवल्स और टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए। नोटिस कर सकते दोस्तों यहाँ पे एचएफसीएल का हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। ओवरली स्टॉक आपको एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता देखने को मिल रहा है। दूसरा कंडीशन आप यहाँ से देखें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में भी कंटिन्यू कर रहा है। दोनों को मिलाते हैं स्टॉक आपको ट्रायंगल में ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी आपको एक्जैक्टली वही कंडीशन देखने को मिलेगा कि ट्रायंगल नजर आ रहा है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। जिस तरीके से आप देखेंगे स्टॉक में यहाँ से एक टेल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो हो सकता है प्राइस यहीं से ब्रेकआउट कर दे। जैसे ब्रेकआउट करेगा तो आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों एचएफसीएल के शेयर में अगर बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से लेवल से टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको सपोर्ट लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे 75.35 में रहेगा। रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे रहेगा 81 में। दोस्तों वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज बनाया गया, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।